सोशल मीडिया की नजर से कुछ नहीं छूटता। एक छोटी सी खबर भी यहाँ धूम मचा सकती है। और आज यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा में है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। Those maths have never helped Einstein discover gravity. Those maths have never helped Einstein discover gravity. बस इतना कहा ही था कि हमारे नेटिजन्स के कान खड़े हो गए। और क्यों ना हो, आखिर ग्रेविटी की थ्योरी तो न्यूटन ने डिस्कवर की थी ना। पर मजेदार बात ये है कि गोयल जी ने एक नहीं दो बार इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया। Don't get into maths and I added, maths never helped Einstein discover gravity. I think they've taken it very literal and made a big hoo-ha outside. I think the Twitter world tries to tap every word. So while maths helped Einstein discover gravity, but it's because he had an open mind and the ability to think big. Those maths have not helped Einstein discover gravity. This line has sought to be misinterpreted, but the next line along with it is not being added and shown correctly. After this, I said, if he had gone only by structured formula and what was past knowledge, I don't think there would have been any innovation in this world. फिर लोग खुद को रोक नहीं पाए। एक तरफ किसी ने तंज कसते हुए कहा, आइंस्टीन का ग्रेविटी की डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना सावरकर का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, तो दूसरी तरफ एक ने पीयूष गोयल को उनके कॉन्फिडेंस के लिए 100% मार्क्स ही दे दिए। लोग इस बात से हैरान थे कि अंत तक पीयूष गोयल मैथ्स को लेकर ही क्लैरिफिकेशन देते रहे, और एक बार भी उन्हें ये याद नहीं आया कि असल मुद्दा मैथ्स का नहीं बल्कि गलत नाम का है। पर ऐसे में सबसे मजेदार होते हैं मीम्स और फोटोज। एक यूजर ने आइंस्टीन और नेहरू का ये वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देखो, नेहरू आइंस्टीन को हमारी नई खोज के बारे में बता रहे हैं। और एक ने ये फोटो शेयर करके लिखा, पीयूष गोयल आइंस्टीन और न्यूटन में अंतर करते हुए। एक ने तो प्रधानमंत्री मोदी को भी इसमें शामिल कर लिया। मोदी और आइंस्टीन की एक फेक फोटो शेयर करके लिखा, मोदी जी की आइंस्टीन को बिना मैथ्स के ग्रेविटी डिस्कवर करने में मदद करते हुए एक रेयर फोटो। जाहिर है सोशल मीडिया को ऐसी मसालेदार खबरों का इंतजार रहता है, और अगर मामला किसी मंत्री से जुड़ा हो तो फिर कहना ही क्या।